क्या जवाब दिया? अरे ले चलनी होए तो ले चल रे जवाब कहने लगी लड़की। अरे ले चलनी हो तो ले चल रे ना, ले चली अपने देश की। हेलो, और ये 20 रुपए का पुरस्कार राकेश यादव जी कसवा घोसुपुरा की तरफ से। ये 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी हाथ जोड़ धन्यवाद देती है। और ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा श्री जंडेल, ये प्रधान जी, ये 20 रुपए का सम्मान देते हैं। मैं हाथ जोड़ धन्यवाद देता हूं। भैया ना माले तमो को लज्जा रे लागे के यरो बिना कहया रे सटत है ना। क्या हुआ? लाखा से कहने लगी, लाखा बता क्या चाहता है, क्या ले चलेगा? एक बात जवाब दे दे। क्या जवाब दिया? अरे तो राजन की बेटी है, राजन की कोई नायक है। हुआ राजेंद्र सिंह जवाब दिया, कैसन चल तो रही है, एक बात है क्या कि मेरे संग में परेशानी कुछ ज्यादा आ सकती है। तो सदा में सोरंगा ने चरण सिंह क्या जवाब दिया, बोले कुछ नहीं। क्या कहने लगी राजेंद्र सिंह? और लाखा बंजारे ने क्या जवाब दिया? अरे रात को सोने तेरी ओ धना रे बचाना, अरे कृष्ण को सोने तेरी ओ धना रे बचाना। बाबा भीष्म ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आप दावत दे आओ श्री कृष्ण भगवान के लिए कि आज का मैदान किसके हाथ में रहेगा। दुर्योधन राजा बाबा भीष्म के कहने से चल दिया, लेकिन घमंडी राजा था, दिल में ये विचार करने लग गया कि बहन सहोदरा श्री कृष्ण की मेरे भाई चचेरे अर्जुन के लिए ब्याई है, इस नाते में श्री कृष्ण जी हमारे साले लगते, हमारा पैर छूने का सोच के। अरे मन अपने में
और ये 20 रुपए का पुरस्कार जयवीर कस्बा कैलमड़ी की तरफ से, ये 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं हाथ जोड़ धन्यवाद देता हूं। भैया सो बताते हैं तो या श्री अरे कृष्ण है देता हो आरा जो ना कौन रे और माँ भारत की रे कठन रे जंग में जा तेरी विजय रे पंडा के अला हेलो तो इधर जब अर्जुन के लिए वरदान दिया तो दुर्योधन भाग छूटा कब मैं पहले को आओ भाव और ये पीछे से आए तो वरदान इनके लिए दे दिया। मैं तो पहले ज्ञान तो बाबा भीष्म ने नहीं मानी अपमान करवा दिया। मैं तो पहले ज्ञान तो पंडन को होंगे हमारे कब है जाएंगे, ये तो बाबा भीष्म ने अपमान करवा दिया। श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि ये घमंडी राजा गजब हो गया, मुझे क्या पता था कि ये पीछे खड़ा है। ऐसे ही लक्ष्मण जी थे, भगवान ने भेजे थे कि जाइए बैरा रावण से हमारा तुम्हारा मौजूद है लेकिन सुनिए उससे ज्यादा क्या था कोई नहीं है, इसलिए राजनीति पूछ करके आओ तो वो भी सिर की तरफ पहुंच गए। तो चरणों की तरफ से मिलता है, सिर की तरफ से नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन ठहरिए, बोलने की क्या ठहरना आपके यहाँ, आपके यहाँ कोई न्याय की और पंचायत की बात नहीं है। मैं आपके यहाँ पहले का आया हुआ खड़ा हूं और अर्जुन पीछे से आया, आपने उन्हें वरदान दे दिया। बोलने की ठहरिए, वरदान ही तो दे दिया अभी सौदा तो बहुत है। गुन्ने क्या सौदा, 56 करोड़ यादव भैया हलदर चक्र सुदर्शन और मुरली है, इतना सौदा है, इतना सौदा आप अर्जुन को देते हो तो मैं मुरली के लिए लेकर के आपके साथ चलता हूं और इतना सौदा अगर आप ले जाते हो तो मैं मुरली के लिए लेकर के और अर्जुन के साथ जाता हूं। और सुनो मैं रथुहा कंगोर भई रैया अर्जुन को आतते पाला छुंगो नाय दुर्योधन बताइए मैं खाली रथ हार सकता हूं लेकिन आपके साथ चलूंगा तो आपके संग भी बाण नहीं चलाऊंगा और दुर्योधन इनके साथ जाऊंगा दुर्योधन के तो नहीं आपके साथ बाण चलाऊंगा और नहीं अर्जुन के साथ चलाऊंगा, बताइए किस बात पर राजी हो। दुर्योधन सोचने लगा कि ये मुरली क्या रन में पाल लगावेगी और ये 50 रुपए विजय सिंह यादव जी कस्बा घोसीपुरा की तरफ से ये 50 रुपए देते हैं, मैं हाथ जोड़ धन्यवाद देता हूं। भैया कट्टर पानी अरे कस्बा को बड़े बड़े सूरा ले Yeah, that's cool.
बाबा भीष्म ने कहा, जवाब दिया। दुर्योधन कहने लगा, रण में मुरली क्या पार लगाएगी, मुको छप्पन को डरे यादवा दे जा भैया हलधर कौन रे दे जा। महाराज आप चक्र सुदर्शन दे जाइए, भैया हलधर के लिए दे जाइए, छप्पन कोट यादव दे जाओ, आप कृष्ण के ही संग चले जाओ। इतना सौदा लेकर के बाबा भीष्म के पास पहुंचा। बाबा भीष्म ने कहा, दुर्योधन बताइए, महाराज वरदान तो श्री कृष्ण के लिए दे दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, लेकिन सौदा मैं ले आया, मैं छप्पन कोट रे यादव भैया हलधर को ले आ, और चक्र सुदर्शन उन को ले लायो कैल अर्जुन संग रे। बाबा भीष्म से दुर्योधन ने कहा, महाराज छप्पन कोट यादव ले आया, भैया हलधर के लिए ले आया, चक्र सुदर्शन ले आया, और वो अर्जुन के संग चले गए। उनकी ये प्रतिज्ञा है कि मैं बाण हाथ से नहीं छुआऊंगा, खाली रथ हाँकूंगा, रथ पे खड़े होकर के। दुर्योधन बाबा भीष्म ने कहा, रे दुर्योधन निपट के निपट अंधोई रहा। उन्हें क्यों, छप्पन कोट यादव भैया हलधर चक्र सुदर्शन कितनी देर के लिए होगा, देखी जाको रथ रघुराई रे हागे ताको जीत सके गो लग्या, अरे निपट के निपट रे निपट दुर्योधन क्या मूर्ख गौ रे। हेलो, और ये 100 रुपए का सम्मान अजय यादव, ये 100 रुपए का सम्मान अजय यादव, सपुत्र श्री मदनलाल सिंह उस्ताद कस्बा घोसुपुरा की तरफ से। ये आज का अरष्टी मालिक साहब, ये 100 रुपए का सम्मान देते मैं हाथ जोड़ धन्यवाद देता हूं। और ये विशेष और राजेश कस्बा, राजीव और विशेष कस्बा विधौती की तरफ से ये स्टूडियो इनका नाद है, इस भोले बाबा स्टूडियो नाद है। इस चैनल पर मेरा नंबर भी मिलेगा, और ये मेरी रिकॉर्डिंग करता इमाद साहब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे ढोलक पर संगीत राजेंद्र सिंह यादव जी कस्बा बैरपुर सेवा की तरफ से, और बाजे पर संगीत दे रहे हैं बिजेंदर, ये मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है। और चिमटा पर संगत चरण सिंह, ये मेरा छोटा भाई है। और राजवीर सिंह कस्बा बैरपुर सेवा की तरफ से, और मेन कलाकार कल्याण सिंह यादव जी कस्बा बैरपुर सेवा की तरफ से। और मेरा नंबर है 8395-84-64-33, इस चैनल पर मिलेगा। जिसके लिए सेवा की जरूरत हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पार्टी का ज्यादा जबर खर्चा नहीं है। गाड़ी हो तो अब मेरे घर से उठाओ घर पहुंचाओ, और अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का किराया लेता हूं, पार्टी आपके यहां स्वयं बजेगी, मुझे पैसे से कोई जरूरत नहीं है, भाग में होगा वो फौरन ही आ जाएगा। भैया सुरगा मड़ैया रे सबका या तो याने करिए गुजरा, भैया जुग जुग जियो रे अमर हुई जइयो, शेर चारो चले रे जगत में। और क्या, अरे काल सूट सिलाया मेरे राजा, यह जवाब दिया, अरे काल सूट सिलाया मेरे राजा, अरे
जवाब दिया, अरे मेरे गांव घूम रही अयो मेरे राजा, अरे मेरे गांव घूम रही अयो मेरे छेला, अरे ओए होए ना धनी रसी, ओए होए इधर क्या हुआ?